माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिग सेलिब्रिटी, वेरी बिग सेलिब्रिटी सर। यार शायद ही पूछ के कैमरा स्टार्ट किया, ठीक है ना सर? माजरत भैया, चेक करें। माशाल्लाह, होए 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 होए, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इतनी गंदी तेज धूप है भाई, लाहौर में इतनी गर्मी हो गई है। आ जाओ जी, आ जाओ। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग वेरी प्रिटी। चलो आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। आओ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? माशाल्लाह, चलो चलो चलो, आ जाओ जी, आ जाओ। आज सरकार बैठे, आए 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 आए, बैठे बैठे बैठे। कौन है? अल्लाह भला करे भाई, अल्लाह भला करे, जाए यहाँ से। अल्लाह भला करे भाई जान, अल्लाह भला करे भाई जान, अल्लाह भला करे। क्या हाल है? इधर तो आओ, मिलो आखिर। सही है, आके पहले मिलते होते हैं। ये तुम इतनी खुशकी क्यों हुई यार? वो नहा के आया ना, वो मैंने लोशन नहीं लगाया। मैं भी आया हूं, लेकिन मुझे लोशन नहीं लगाया। मैं तो लगाता ही नहीं, तो इसलिए तो आपके मुंह पे जो है लानते ऐसी हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चेक कर लो किसकी क्लियर स्किन है दादा, चेक कर लो, चेक। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। सुनाओ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? घर में सब ठीक ठाक है, फिट फाट हो? कौन कौन कर रहा हो? अच्छा भाई, जहाँ फोन था हैदर का, हैदर और व्हाट्सअप लोग आ रहे हैं अभी मेरी तरफ। आई डोंट नो कि वो किस काम के लिए आ रहे हैं, तो वो अभी आते हैं तो उनसे भी ये पूछते हैं। अच्छा भाई, आज का व्लॉग जो मैंने करना है वो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से तो पता है चल ही गया होगा। पिछले चार दिन से ये व्लॉग करना चाह रही है, लेकिन हो नहीं रहा। हाँ, हो नहीं रहा था ये वाला व्लॉग, बिजी बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा भाई, अभी हम लोग आए हैं तायाबो के घर से दावत खा के, क्योंकि अभी तक उन्होंने शादी की दावत नहीं की थी, क्योंकि हम लोग शादी के फौरन बाद ही जो है चले गए थे कराची, तो इसलिए बस हम अभी आए थे। तो उन्होंने जो कहा था कि भाई अभी तुम लोग की ये दावत हमने करनी है। मैंने कहा जी क्यों नहीं, तो फिर अभी अभी बस हम लोग वहाँ से जो खाना छाना खा के आए हैं। मैं नहा धो के फिर से जो है रेडी हुआ। मैंने कहा कि भाई जान, ज़रा हम अपना भी ज़रा व्लॉग स्टार्ट कर लेना। तो अच्छा जी, आज का हम आपको जो व्लॉग देंगे होम टूर, क्योंकि मुझे बहुत सारे ये वाले कमेंट्स आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि भाई प्लीज़ होम टूर दें, प्लीज़ होम टूर दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना हम आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं होम टूर जो कर देता हूँ। तो बस अभी 5 से 10 मिनट में वो लोग आते हैं, उनसे मिलकर फिर हम अपना होम टूर स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? बिग सेलिब्रिटी, वेरी बिग सेलिब्रिटी सर। यार शायद ही पूछ के कैमरा स्टार्ट किया, ठीक है ना सर? माजद सर, मैं आपकी तरफ जो कैमरा अपना मोड़ सकता हूँ? मैंने पूछे सर, चलो अभी मैं जा यार आपसे यार पूछने की यार क्या लोड है? किसे की यार आपसे मुझे पूछने की यार क्या लोड है? लोड की हुई है तेरी उर्दू से लाना। यार जरूरत, जरूरत है नेसेसरी। ओ यार ये वाला वर्ड किसने इसको क्या सिखाया यार? यार कोई आली मां साहब सर, कैमरा अगे तो पूछ के बेटा सर। माजा तेनू ये भी पता है मैं कैसा गुस्से वाला बंदा हूं सर? बहुत ज्यादा यार, मान में आएगा जना गुस्सा बहुत ज्यादा होता है यार, फुल आखिर। इधर हैदर शाल करो। हैदर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? मैं कुछ भी नहीं ब्रो, जस्ट हाथ आपसे जो शेकन करो। अच्छा यार ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी बहुत बड़ी जो है ना व्हाट्सएप हमारे की अचीवमेंट आई है भाई जान, चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब, इधर आए, इधर तो आए आप, हंसे ना ज्यादा, इधर आए आप। यार हाँ इधर आओ ना। ओए होए होए होए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इसको खोलें ब्रो। ओहो ये तो फट रहा है, खोलो यार इसको जरा। ए ऐसे चलो इसको यूं लेके आओ। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह 10 लाख सब्सक्राइबर। हाँ जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर इंशाल्लाह, ऐसे ही 10 मिलियन भी जय हो जाएंगे और डायमंड प्ले बटन आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द 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 वो भी जय हो जाएगा। आई थिंक डायमंड प्ले बटन तो शायद 10 मिलियन पे आता है ना, 10 मिलियन पे आता है। चलो कोई नहीं, 100K 1 मिलियन। ओए हंसना तू है ज्यादा, इंशाल्लाह ब्रो पहले 100K फिर 1 मिलियन फिर 10 मिलियन भी जय हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे ब्रो, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, अल्लाह जो है आपके नसीबों में करे मेरी जान, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। खैर से
यार माशाल्लाह ये वाली अचीवमेंट तो आपकी अनलॉक जो हो गई है, तो आप चुप करे एक मिनट। आप जो ब्रो इसकी ट्रीट कब आप जो दे रहे हैं ब्रो बताएं, नहीं आप बताएं कि किस टाइम जो है फ्री है। नहीं नहीं अभी नहीं ब्रो, अभी जो खाना चना खा के आई एम डन, तो आप बताएं मान साहब, मान साहब ट्रीट का याद बताओ आप। अभी चले नहीं अभी तो नहीं, अभी जी है सब के अपने काम से। मैं ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੀ ਖਾਇਆ ਪੋਟੀ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ ਫਿਟੇ ਮੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਉਹ ਖਾਏ ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ ਖਾਏ ਚਾਵਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੌਲ ਲਿਆਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਆਓ ਛੇਤੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੌਲ ਲਿਆਓ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਾ ਆਪ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟ ਆਪ ਦੇਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਬੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਬਦਾਈ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ आज तक जो ऐसा ककाया है आपको यार मैं मर्जी है आपकी है तो फिर मेहरबानी अच्छा जी बट ट्रीट हम इंशाल्लाह जल्द बट सबसे भाई इसकी जो 1 मिलियन की और साथ ये गोल्डन प्ले बटन की जल्द हम जैन से भाई ट्रीट लेंगे। यार अभी अभी जो बट साहब लोग गए हैं उठ के तो हमारे बड़े ही प्यारे भाई जो कि मेरी कटिंग शटिंग में ये भाई करते हैं और फिर उसके बाद ये भाई जो कि अपना इनका शौक है वो है क्रिकेट का, इनका भी यूट्यूब का चैनल है वो मैं इनसे ही आप लोगों को खुद जो है पूछ के बताता हूँ कि भाई क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, जी क्या हाल है जामिन भाई ठीक ठाक हैं जी वालेकुम सब खैरियत है चलो माशाल्लाह। सर आप मुझे पहले ये बताएं कि आप कितने अर्से से आप ये वाला अपना जो है ना कि पैशन को आप लेके आप चल रहे हैं। क्रिकेट का पैशन तो बचपन से ही है माशाल्लाह, जारी बात है कि चांस नहीं मिले यार। चांस नहीं मिला कि हाँ। आपको भी पता है 5-6 साल तो आप मुझे जानते हैं बिल्कुल कि क्रिकेट की वजह से आप लोग पता कि सेटअप हाँ। भी था सारा वो बंद किया बिल्कुल बिल्कुल तो आगे जो है वो बस मौका नहीं अभी कहीं से भी मिल रहा, लेकिन ये कि अब मैंने वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया चैनल पे साथ और काम करता हूँ। चलो बेहतरीन। अच्छा यार ये भाई जी असल में इनका अपना जो है सैलून था तो ये पहले सारा यही जो है इसका अपना ये सैलून का ही काम करते थे, लेकिन जो कि इनका जो पैशन था जो कि शौक था वो था क्रिकेट का, तो इसलिए ही जामिन भाई ने अपनी वो शॉप अभी सारी जो है उसको बंद किया और ये इसी जो है ना फील्ड में आ गए। तो ये अभी कुछ कुछ अपना गिने चिने जिने बंदों का ही काम करते हैं, जैसे मैं हूँ रिजवान है 2-4 बंदे और हैं ये उनका ही सिर्फ बस काम करते हैं। तो जामिन भाई का जो चैनल है क्या नाम है बताएं? जामिन अली क्रिकेटर के नाम से। जामिन अली क्रिकेटर के नाम से जामिन भाई का जो चैनल है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जाएं और उस चैनल को जाकर ढेर सारा जो प्यार दिखाएं, उसको सब्सक्राइब करें और जामिन भाई के व्लॉग्स को भी भेजें जो है देखें। मैंने जामिन भाई को कहा कि व्लॉग से अच्छा शॉर्ट्स में है ताकि लोग उसको ज़्यादा जो है फिर लाइक करते हैं। ठीक है सर ओके चलो। अच्छा भाई तो अभी अभी सारे दोस्त जो है उठ के जो गए हैं और टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं होम टूर का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर की एक लुक जो है दे देता हूँ घर की। ये मेन गेट है जी हमारा ठीक है, उसके बाद ये सारा घर है माशाल्लाह। ये वाली साइड है तायाबू की और ये वाली साइड है हमारी, गेट हमारा एक ही है, बाहर से आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता। और ये यहाँ पे ये हमारी वाली साइड का गार्डन आ जाता है और वो तायाबू की साइड का, और ये बीच में सारी पार्किंग है। अच्छा जी ये वाली साइड आ गई तायाबू की और ये हमारी, और ये बीच में पार्किंग है। यहाँ से हम पीछे आते हैं तो ये हमारा पीछे, जैसे वो नहीं होता सेहन टाइप या पीछे जो भी होता है ये वो आ गया है, और ये ऊपर हमारी सीढ़ी डायरेक्ट जा रही है वो छत को ठीक है जी, और वो सामने तायाबू का भी जो पोर्शन आ गया। अच्छा हमारा जो घर है, हमारा है घर आई थिंक 4 मंजिला, तायाबू का घर से 2 मंजिला है, तो हमारा जो है टॉप की जो छत है उसको जो है डाल के वो 4th फ्लोर जो बनता है। तो अभी अब मैं ये सारे जो कमरे हैं और ये उनकी सारी जो खिड़कियाँ, इधर पीछे कोई जो आर्मी के बंदे जो रहते हैं उसकी ये सारी सिक्योरिटी वगैरह बड़ी, यहाँ पे जो टाइट है कैमराज वगैरह यहाँ पे फुल हमारे जो लगे हुए हैं। ये वाला हमारा किचन है अंदर, आप लोगों को मैं आगे से जाके जो चेक कराता हूँ। ये हमारे घर की है मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप जब अंदर एंटर हों तो ये घर स्टार्ट हो जाता है बिस्मिल्लाह। अच्छा जी अंदर आते साथ ये आ जाता है हमारा बड़ा हॉल, क्योंकि अच्छा कुछ घरों में होता है कि जी ड्राइंग रूम जो है सेपरेट है, टीवी लाउंज है सेपरेट है, और ये वो वगैरह उनका सेपरेट सारा कुछ कुछ होता है। तो हमने जो सारा कुछ ये किया था कि हमने इसको पूरा हॉल ही जो है रखा हुआ है। हमारे 3 हॉल्स हैं, एक ये वाला हॉल है, एक जो है इससे ऊपर है जहाँ पे सबके जो रूम्स, और एक है सबसे टॉप वाला हॉल, वो मैं आपको जाके जो है दिखाता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट है। अच्छा भाई यहाँ पे एक हमारी सिटिंग जो है पहले आ जाती है इधर, फिर उसके बाद एक सिटिंग यहाँ पे आती है। अच्छा ये आप लोग जो कह रहे होगे कि भाई ये क्या यहाँ पे वो है, ये जितना एरिया यहाँ पे ऊपर बंद हुआ है ना, ये सारा वुड से जो है ना बंद किया हुआ है हमने, क्योंकि जब शादियाँ हुई थी अपना भाई की और जो है ना बहन की, तो वो बच्चे आते थे तो वो यहाँ पे अंदर जो है ना गिर जाते थे, क्योंकि यहाँ पे सारा नीचे हॉलो है। ये जितना जितना ऊपर है ना ये सोफा, ये उतने उतने ही नीचे थे अंदर, जिस तरह जैसे ठहरो मैं आप लोगों को एक और जगह जो है
दिखाता हूँ ताकि उसे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। ये देखो जिस तरह ये यहाँ पे डेप्थ है ना, वैसे ही ये यहाँ पे भी जिस तरह ये डेप्थ था पूरा जो कि हमने बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे सबके जो फंक्शंस भी हुए थे और फिर उसके बाद जो है बच्चों की भी वजह से हमने ये सारा एरिया यहाँ पे जो इसको बंद कर दिया था, तो ये तब से यहाँ पे बंद हुआ है। हालांकि ये फ्लेक्स इसके नीचे ये वाली है, ये हमने जो ऊपर वैसे ही जो है चाहिए हुई है कि ये सेफ रहे क्योंकि अभी अभी जो है मेरी जब शादी हुई है तो इसके ऊपर सारा हमने जो इसको चेंज किया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे जब आ जाए तो यहाँ पे आ जाती है हमारी डाइनिंग टेबल और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिटिंग का एरिया आ जाता है जहाँ पे मैं अपने रोज दोस्तों के साथ यहाँ पे जो है बैठता हूँ। यहाँ से ये सारा हॉल था आपका, ये ऊपर जो है सीलिंग, ये मेरी जो है फेवरेट चीज़ है, ये जो सीलिंग ऊपर जो हुई हुई ना ये मेरी जो है फेवरेट चीज़ है यहाँ से। अच्छा, नीचे वाले हॉल में सिर्फ एक ही रूम है जो कि अम्मा आबा का है, बाकी हम सब के जो है रूम्स ऊपर हैं। सबसे पहले आ जाओ, मैं आपको जो अंदर जाके जो है ना किचन चेक कराता हूँ। यहाँ से हम ये एंटर हुए सामने यहाँ पे अंदर आ जाता है आपका बड़े वाला किचन एक, ठीक है। ये फ्रिज बंद है क्योंकि यहाँ पे जब कोई नहीं होता तो इसलिए ना ये यूज होता है, इसलिए हम इसको जो बंद करके यूँ खुला जो है ना छोड़ देते हैं। ये आपका आ गया है जी बड़े वाला किचन जो कि बहुत कम यूज होता है, ये देखो। और जैसे हम यहाँ से जो निकलेंगे तो ये छोटे वाला किचन जो कि डर्टी किचन भी जिसको आप कहते हो ये वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बाहर निकलेंगे तो ये पीछे वही वाली जगह जो मैंने अभी आप लोगों को चेक कराई थी कि ये पीछे जो सेन वेन है ये वो आ जाता है, ठीक हो गया भाई जी। आज अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर अम्मा आबा के रूम में, चलो आ जाओ। ये किचन दोनों यहाँ से निकलते साथ ही ये हॉल आ जाता है आपका, ये चेक करो, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है जो कि अम्मा आबा का, ये चेक करो जी, ये अम्मा आबा का रूम है जी, ठीक है। ये देखो ये अम्मा आबा का रूम आ गया जो कि सिर्फ नीचे एक ही रूम है, ये उनकी यहाँ पे जो है ड्रेसिंग आ गई और सामने अंदर जो है आपका वॉशरूम आया था, मैं वो भी आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ। क्या याद करो क्या भाई, ये देखो ठीक है जी, ये जो है उनका वॉशरूम आ गया, ये उनकी वार्डरोब। अच्छा, यहाँ पे नीचे बेसमेंट है और ये उनका जो है कमरा आ गया। ये था हमारा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे ये हॉल और एक रूम है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे जहाँ पे बाकी सबके जो रूम है मैं वो भी आपको चल के जो है ना सारे दिखाता हूँ। आ जाओ अब चलते हैं ऊपर और आपको जाके हम ऊपर का सारा विजिट करवाते हैं। ये आ जाता है ऊपर आते साथ ही हमारा हॉल, एक मिनट, ये देखो भाई ये सारा हमारा दूसरा वाला हॉल आ गया है। यहाँ पे अभी हमने सेटिंग की थी लेकिन यहाँ पे फिर से थोड़ी सी चेंजिंग जो हुई हुई है क्योंकि घर लॉक था, इसीलिए हमने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान अभी उठाया हुआ है। हो सांस चढ़ गया यार। ये वाला आयता है बहन का कमरा, ये वाला मेरा कमरा, ये वाला भाई का कमरा और वो भी भाई का जो कमरा और वो बाहर टेरेस आ जाता है। अब ये सारा आप लोग हॉल शॉल जो है आप लोग देख लो, एक मिनट को मैं ये लाइट भी ऑन कर देता हूँ। ये देखो ये हॉल देख लो और ये है हमारी उधर छोटी सी नमाज वाली जगह, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो भाई अस्सलाम वालेकुम या मेरे मोमिनीन, ये देखो ठीक है जी, ये हॉल आ जाता है हमारा और वहाँ पे सामने रूम्स है। अब मैं आपको बारी बारी जाके रूम्स भी जो है चेक कराता हूँ भैया। रूम से पहले मैं सबसे पहले आपको बाहर का जो टेरेस चेक करा देता हूँ। आज यार धूप बहुत ही तेज है ना हुई पड़ी है। ये देखो ये आ जाता है हमारा ऊपर टेरेस जो कि ज्वाइन है हमारा ताया बहू के घर के साथ और ये मेन गेट आ जाता है और ये हमारा टेरेस जो है ना ऊपर वाला ज्वाइंट है टेरेस से। आप हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, वो तायाबू की बैक साइड आ गई है और नीचे वो पार्किंग आ गई और ये हमारी वाली साइड आ गई। ये भाई का कमरा है ठीक है और ये भी चेक कर लो ऊपर सारा, वो एक ऊपर भी छाता है वो भी मैं आपको जाके देना चेक कराता हूँ। चलो भाई आओ अब मैं आपको बारी बारी सारे रूम जाके चेक कराता हूँ भाई, आ जाओ। अच्छा जी सबसे पहले मैं आपको ये वाला रूम चेक कराता हूँ जो कि है बहन का रूम। ओए 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 ऐसे, चलो जी लाइट सारी ऑन कर दो भैया। ये चेक करो जी, ये था सबसे बड़ी वाली बहन का रूम अपिया का जो कि अभी भी उसका ही है और ये अब छोटी वाली बहन ने रूम ले लिया। अच्छा यहाँ पे दो बेड्स क्यों पड़े हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला बेड था मेरे वाले जो है रूम का जो कि अभी मेरी शादी का सारा वो रूम जो है तैयार हुआ था, उसका बेड शेड हर चीज़ें नहीं आई थी तो ये वाला बेड हमने यहाँ पे जो है उठा के इसलिए जो रखा है क्योंकि ये जो गोल बेड है यहाँ पे दो बंदे बड़े जो पूरे नहीं आते, ये है बच्चों के लिए असल में। तो मेरी शादी पे जो बाहर से सारे गेस्ट आए हुए थे, मेरे मामू आए हुए थे, खाला लोग आए हुए थे, सब आए हुए थे, उनके लिए हमने ये वाला बड़ा वाला रूम तैयार किया हुआ था कि यहाँ पे जो बच्चे बच्चे जो हो जाएंगे और यहाँ पे साथ बड़े आ जाएंगे तो इसलिए हमने दोनों बेड्स इसी कमरे में जो रख दिए थे और वो सामने ऊपर जो है वार्डरोब है और साथ वहाँ पे स्टडी टेबल है जिसके ऊपर बैठ के आज तक किसी ने भी हमने से स्टडी नहीं की।
और ये साथ इसका जो है ना वॉशरूम भी आया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ। चल भी आ गया, चलो। ओए ये कहाँ से आ गई है यार, तुमने तो मुझे जेना टरा दी है यार कमल। मैं कहा ये भूत कौन आ गया यार यहाँ से, अल्लाह माफ करे। अच्छा भाई ये था सबसे फर्स्ट वाला कमरा जो कि है बहनों का, ठीक है। और अब मैं आपको अपना वाला कमरा जाके चेक कराता हूँ। चलो भैया अब मैं आपको अपना कपड़े सूखे हुए ये, अच्छा ये आप कपड़ों को अभी आप छोड़े यार ये काम यार यूं तो ना तुमको। अच्छा ये आप कपड़े इधर छोटे, और ये आप ये बताएं कि आप ये कहाँ के लिए माशाल्लाह से तैयार आप ये हुई हुई हैं, हैं बताएं जरा मुझे। रोज आप मुझे छोड़ी जाती ना, आज मैं जा रही हूं। कहाँ जा रही हूँ? फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। अच्छा चलो आओ ये जरा कमरा पहले ये सही करो, हम जरा रूम टूर तो दें यार, अपना हमने अभी तक नहीं दिया हुआ। अच्छा भाई अब मैं आपको अपने जो रूम का टूर जो है देता हूँ, थोड़ी सी माजरत क्योंकि यहाँ पे सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन में वापस कराची इंशाल्लाह जो है जा रहे हैं, तो इसलिए हमने अपने बैग से सामान निकाल के अलमारी के अंदर सेट नहीं किया, हमने अपने बैग में ये बीज रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आगे उन्हें इग्नोर करना। अच्छा ये वाला जो रूम ये सारा मैंने खुद अपनी मर्जी से तैयार किया था, और कुछ थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन साथ आप लोगों की भाभी का भी था, क्योंकि ज्यादा ये मैंने अपनी ही मर्जी का तैयार किया है, बेड वगैरह ये सारी कलर स्कीम मैचिंग वगैरह हर चीज मैंने खुद की थी। अच्छा अब मैं आप लोगों को सारा अपना जो चेक कराता हूँ कमरा, ये आ जाता है हमारा सबसे पहले बेड, ये वॉल वाला बेड जो कि आजकल बहुत चल रहे थे और जो कि मुझे ज्यादा बहुत पसंद भी थे, इसको भी जो है अपना पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने ये वॉल वाला बेड जो है तैयार करवाया था। ये आपका वॉल वाला बेड आ जाता है, उसके बाद ये टीवी आ जाता है, ये दो साइड जो भी होता है ये वो अपना आ जाती है, फिर ये सोफा, ये कर्टन्स वगैरह सारा कुछ मैंने अपनी मर्जी का खुद तैयार किया था। जो कॉमन की जो मर्जी का था वो ये था सिर्फ, बस शीशा जो है इस तरह था लाइट वाला, और ये साथ ही हमारा जो है वॉशरूम भी आ जाता है ऐसे, ठीक है जी। क्या 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 हाँ तुम तो जैसे करती नहीं ना ये था, रखो 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 रखो। ये था जी मेरे वाले जो है कमरे का टूर, अब मैं आप लोगों के साथ अली भाई का भी कमरा चेक करा देता हूँ, क्योंकि सारे कमरे जो है लॉक होते हैं इसलिए, बल्कि पूरा घर ही जो है ना लॉक होता है, इसलिए वो फिर बार बार जो है ना खोलने पड़ते हैं भाई कमरे सारे जाके। अच्छा जी मेरे जो है कमरे से निकलते साथ ये अली भाई का भी आ जाता है, अब वो भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ भाई। चलो अच्छा भाई ये आ जाता है अली भाई का कमरा जो, अच्छा ये इसका मैं आप लोगों को जो है ना सीन बताता हूँ कि ये बीच में जो है ये इस चीज़ का दिया हुआ है, ये जो बीच में जो ये कटिंग ये इसलिए हुई थी क्योंकि ये थे दो कमरे, ये वाला रूम था मेरी दोनों जो है अपना बहनों का, एक जो बहन बाहर होती है और एक जो यहाँ पे होती है कराची, ये रूम था उन दोनों का, और ये वाला रूम था अली भाई का अपना सेपरेट, तो ये वाला रूम कुछ ज़्यादा जो है छोटा था, इसलिए जब अली भाई की जब शादी हुई थी तो इसलिए बीच में से ये सारी दीवार हमने जो है तुड़वा दी थी और ये दो रूम्स करके एक बड़ा रूम बन गया था। यहाँ से भी जो है कारपेट शारपेट सारा जो है रिमूव किया हुआ है। ये है जी अली भाई का रूम, ये आ जाती है उनकी वार्डरोब जो कि लॉक है, और वो सामने आ जाता है वॉशरूम। ठीक हो गया जी, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ऊपर ट्विस्ट वाली जगह पे। आओ भाई अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ ट्विस्ट वाली जगह पे। तुम सोच समझ के ऊपर आना, फिर रात को ना कहना कि मुझे जो है ना डर लग रहा है, मुझे किसी के बाप से भी डर नहीं। अच्छा अब इसको रात को जो ऐसा मैंने डराना है ना, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये डरती है कि नहीं डरती है। अच्छा यहाँ की सबसे पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी अच्छा भाई जान ये है हमारा ऊपर वाला हॉल जो के थर्ड हमारा जो फ्लोर है यहाँ पे, इसको हम लॉक पहले जो खोल लें इसका। ओ ये देखो अच्छा भाई ये है जी हमारा सबसे ऊपर वाला टॉप का हॉल, ये सारी जो सीलिंग वीलिंग ऊपर जो हुई हुई है ये शुरू से ही ऐसी है, ये जो आप लोग सारी ये दीवारें जो है देख रहे हो ये सब लगी हुई हैं फॉर्म की, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे सेट लगा हुआ है एनक वाला जीन, रिटर्न ऑफ एनक वाला जीन जो अभी नया ड्रामा अभी जो बना है, लेकिन वो अभी तक कहीं पे ऑन एयर नहीं हुआ, आई गेस शायद वो यूट्यूब पे आ गया हुआ है, उसकी सारी शूटिंग हमने खुद की थी, हमने ही वो वाला ड्रामा जो है बनाया है पापा ने, तो वो उसका सारा सेट यहाँ पे ऊपर ये लगा हुआ है अभी तक जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और ये वाली लाइट आप जो है चेक करो, ये वो हॉरर वाली लाइट दी हुई यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे अंदर एक जो रूम आ जाता है जो कि पहले पहले था यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर था, लेकिन उसको फिर बाद में हमने शिफ्ट कर दिया था।
अभी भी खैर वही है, ये बाग है। जब यहाँ पे इसकी शूटिंग के लिए हमने सारा सेट तैयार किया था, तो फिर ये वाला भी रूम हमने सारा कुछ यहाँ पे, ये पैनल शैनल वगैरह हमने ये सारा कुछ खुद तैयार किया था। अभी भी ये जो है कमरा, ये सर्वेंट क्वार्टर, ये यहाँ पे जो है जो भी घर के अपना कुक शुक होते हैं या जो भी और होते हैं लोग, वो यहाँ पे आके जैसे होते हैं वो साथ, ऊपर उसका अटैच जो है बाथरूम है, और ये यहाँ पे बाहर निकल के हॉल आ जाता है। और ये यहाँ पे हमने वो बनाया था, क्या कहते हैं उसको, जेल बनाई थी, जहाँ पे वो हूर परी या पता नहीं क्या थी वो जो एक करेक्टर था, वो यहाँ पे जाना कैद हुई थी। और ये चेक करो, ये यहाँ तक है हमारा हॉल, ये यहाँ तक हॉल है हमारा, जो कि यहाँ पे आगे सारा इसको जो है यूँ बंद किया हुआ है सेट लगा के। ठीक है जी, यहाँ से हम बाहर जब निकलते हैं ये छत आ जाती है जी हमारी। ठीक है जी, ये अलम हमारा लगा हुआ है, और वो ऊपर एक और टॉप की छत है जो कि प्लेन है बिल्कुल। यहाँ से ये चेक करो, तो ये ऊपर वाली छत को डाल के ये बन जाते हैं चार फ्लोर्स। ठीक हो गया जी, ये थर्ड फ्लोर है और ऊपर वो छत डाल के चौथा जो है बन जाता है। तो कहते हो तो आप लोगों को मैं ऊपर जाके छत भी जो है दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई, धूप बहुत ज्यादा हो, ये सीढ़ियाँ भी बड़ी गर्म हुई पड़ी हैं। ये देखो जी, ये आ गई जी छत हमारी। ठीक है जी, ये चेक करो, जो कि फुल प्लेनो प्लेन है। अच्छा, वो जो पीछे से सीढ़ियाँ नहीं आपको मैंने दिखाई थी जो ऊपर तक आ रही थी, वो ये वाली सीढ़ियाँ, ये देखो वो नीचे पीछे वाली किचन की बैक साइड है, और ये सारा ऊपर जो है छत आ गई। ठीक है जी, हो धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत है, आ जाओ भी नीचे फटाफट जो है ना यार चलते हैं। ओ फिटे वो कवल, इस तरह कौन डरता है यार, बेवकूफ तो कोई हाल नहीं। तुम्हें मैं यहाँ से जो नजर नहीं आया था शीशे से, नहीं वो आवाज आ रही है बाहर दीवार क्या, ये दीवार में से ऐसे पट पट पट। ओ फिटे वो बाहर पीछे काम हो रहा है, पिछले वाले जो घर में वो सोलर पैनल जो है लग रहा है उसकी आवाज आ रही होती है बेवकूफ। आ जाओ अब नीचे जो है, अभी कौन कह रही थी कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती है, देखा आप लोग रहे हैं, देखे बहुत बड़ी फट्टू है ये। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत बड़े तुम फटो हो तुम पूरी। आ जाओ भाई चलते हैं यार नीचे। अच्छा भाई जान, लॉक शॉक हमने कर दिया सारा कुछ, आ जाओ अब चलते हैं नीचे। ऊपर हमने स्पेशली जो है ना लोहे वाले गेट लगवाए हैं कि कोई खोल ही ना आ जाए उसको, हो सके ऐसी फुल टाइट वाले जो है ना हमने वो सिक्योरिटी जो है लगाई हुई। अच्छा और कोई जगह तो नहीं रहती जो कि ना दिखाई हो हमने घर की, मैंने है वो भी सारा कुछ दिखा दिए, टेरेस भी हो गया, हॉल शॉल भी हो गया, हर चीज है। वो बेसमेंट में क्या, बस वो वहाँ पे स्टोर रूम ही है सर। अच्छा भाई तो फिर ब्लॉग को एंड कर दें फिर है। ये था हमारा आज का भाई होम टूर, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई होम टूर करें, होम टूर करें, अपना भी आप रूम दिखाएं। अब आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया, ठंडक आपको जब पड़ गई है, शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह फुल टाइट है, कैमरा वगैरह हर टाइम जो है चल रहे होते हैं यहाँ पे। आज तक कभी भी जो है ना कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ, ना ही आगे होगा, और ना ही आगे इंशाल्लाह कभी जो होगा ऐसी जो है नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे गार्ड हर टाइम जो है बाहर बैठे होते हैं, और पीछे भी सारे वो अपना हर घर का जो है गार्ड है, कैमरा वगैरह सारे लगे हुए यहाँ पे, तो कोई इस तरह का जो सीन नहीं। खैर ओके जी, फिर अब तो यार ये कपड़े जो है उठा लो, लोगों ने कहना कि जी आपने गंद जो है ना इतना डाला होता है। खैर एनीवेज भाई सही कहते। अच्छा भाई इसको अभी हम जाके छोड़ के आते हैं इसकी फ्रेंड्स के पास, तो ये वाला व्लॉग मैं करता हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दें।